सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियोस आपको मिल सके सबसे पहले। आपसे राहत मिलने में, जैसे IT सेक्शन में, लोन प्रोसेसिंग प्रोसीजर में, बैंक ट्रांजेक्शन फीस एंड पेनल्टी में कमी महसूस लगता है। आपसे निवेदन है कि मिडिल क्लास पीपल्स जो आपके पार्टी के जड़ हैं, उनका भी राहत में ध्यान रखा जाए जितना उनसे टैक्स कलेक्शन में ध्यान रखा जाता है। थैंक यू सर। धन्यवाद निर्मल जी, आप व्यापारी आदमी हैं तो व्यापार की बात करेंगे, स्वाभाविक है। हम जनता का ख्याल रखने के पक्ष के हैं और हम रखेंगे, आपको विश्वास दिलाते हैं। चलिए पुडुचेरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को यानी कि 19 दिसंबर को तमिलनाडु के पांडुचेरी के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान एक कार्यकर्ता ने उनसे एक कठिन सवाल पूछ लिया जिसमें प्रधानमंत्री मोदी फंस गए और वह कार्यकर्ता को जवाब नहीं दे पाए। समर्थकों के साथ पीएम मोदी की बातचीत का यह वीडियो बीजेपी ने अपने आधिकारिक यूट्यूब अकाउंट से शेयर किया है। वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांडुचेरी, वेल्लोर, कांचीपुरम, विलुपुरम और दक्षिण चेन्नई से बूथ श्रमिकों के साथ बातचीत कर रहे हैं। यह वीडियो अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसी वीडियो में एक कार्यकर्ता ने असामान्य रूप से कठिन सवाल उठाए जिसका जवाब पीएम मोदी नहीं दे पाए और हंसते हुए उन्होंने उनके सवाल को टाल दिया। तमिलनाडु के कांचीपुरम में इकट्ठे हुए समर्थकों से बात करने के बाद स्क्रीन का कैमरा पुडुचेरी की ओर किया गया जहाँ तमिलनाडु की तरह ही एक समूह में समर्थक एकत्रित थे। पीएम मोदी ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा कि मैं इस साल की शुरुआत में पुडुचेरी आना चाहता था लेकिन किसी कारणवश नहीं आ पाया। आगे उन्होंने कहा कि पुडुचेरी बहुत सुंदर है और अब ये घूमने की जगह बन चुकी है। तभी माइक एक आदमी को सौंपा गया जिसने खुद का नाम निर्मल कुमार जैन बताया। पहले तो उन्होंने पीएम मोदी की बहुत ही तारीफ की और कहा कि वह भारत को कैसे बदल रहे हैं, इसके लिए वह पीएम मोदी के फैन हैं। निर्मल कुमार ने आगे एक लेटर को पढ़ते हुए कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आभारी हूं कि मुझे आपसे बात करने का मौका मिला है। मेरा सवाल यह है कि आप देश को बदलने के लिए जो काम कर रहे हैं वह वास्तव में अच्छा कदम है, लेकिन मध्य वर्ग के लोगों का मानना है कि आपकी सरकार केवल और केवल सभी तरीकों से टैक्स एकत्रित करने में ही व्यस्त है। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें वह विश्वास नहीं मिला जो वे भाजपा से उम्मीद कर रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि यह मेरा अनुरोध है कि आपकी पार्टी को मध्यम वर्ग के लोगों को कुछ राहत देनी चाहिए। पीएम मोदी स्पष्ट रूप में इस तरह के सवाल की उम्मीद नहीं कर रहे थे। उन्होंने हंसी में इस सवाल को टाल दिया। उन्होंने हंसते हुए कहा कि धन्यवाद निर्मल जी, आप एक व्यापारी हैं इसलिए आप स्वाभाविक रूप से व्यापार के बारे में ही बात करेंगे। हम आम लोगों की देखभाल करने के पक्ष में हैं और हम आपकी देखभाल करेंगे, यह हम आपको विश्वास दिलाते हैं। लेकिन उन्होंने अपने दर्शकों को इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। स्पष्ट रूप से असहज पीएम मोदी ने पहले अपने बाएं को देखा और कहा, चलिए पुडुचेरी को वानक्कम।